हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। तो देखिए, आज ये लोग अलसुर लेक में घूमने के लिए आया था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सोचा जो पूरा अलसुर लेक का नज़ारा कैसा है, क्या हरा भरा जगह है, ये फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप लोगों को दिखाते हैं ये कैसा है बेंगलोर का अलसुर लेक, जो हम लोग बोलते हैं। ये बहुत बड़ा तालाब है और दिखाते हैं। इसमें देखिए, ये सुजान है और ये नवीन है और ये जोगेश है। और तो आप कंटिन्यू बने रहिए, आप दिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास हवा चल रहा है। और ये देखिए, साइड से फ्रेजर टाउन जाने के लिए रास्ता है अलसुर लेक के पीछे से साइड से। ये कितना बड़ा तालाब है। और ये शाम हो गया और लाइट सभी जल रहा है हर जगह में। तो फर्स्ट क्लास हवा चल रहा है, एकदम सुहाना ऐसा जगह लग रहा है। पूरा चिड़िया भी ऊपर चल रहा है, शायद छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, वो चींटी की तरह वो चिड़िया ही है, देख लीजिए। और ये कितना मस्त है यहाँ का नज़ारा, देखिए कितना बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। बट यहाँ से मोबाइल में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इन लोगों को, देखिए इतना फर्स्ट क्लास हवा चल रहा है। इसमें ये लोग वॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है। एक अंदर जा देता है। यहाँ पे छठ पर्व हम लोग जो है मनाते हैं। बेंगलोर में जब छठ पर्व होता है तो इसी घाट पे मनाया जाता है, इसके लिए पर्सनली घाट बनाया गया है। और जब गणेश पूजा या कुछ पूजा, सरस्वती पूजा या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे जल प्रवाह करने के लिए हम लोग बेंगलोर के जो अलसुर लेक है उसी घाट पे और इसी जगह में सारा सुविधा रहता है, क्रेन का सुविधा रहता है, और यहीं पर जल प्रवाह किया जाता है। मूर्ति सब, ये जोगेश को बहुत जल्दी उसका टांग दर्द करने लगता है। अमर देखो, इधर देखो जोगेश, हाँ। ये बहुत लंबा और बहुत चौड़ा भी है, बट जहाँ तक मोबाइल में कर सकते हैं वहाँ तक करके दिखाते हैं आप लोगों को।